Good morning to all students. How are you? I hope you all are well. Students, we are doing our chapter, The Greats and Artists, chapter 6. We have done the reading of our chapter and today we are doing bookwork. In bookwork, our topic is grammar. In grammar, we are doing tenses. See? Look at the highlighted words in these sentences. Sudarshan was sitting at the beach. An ongoing action during a period of time in the past. It means ki past mein koi action ongoing hai, yani ki chal raha hai. Sudarshan is making a sand sculptures. An action that is going on at the time of speaking. ऐसा एक्शन जो बोलते समय हो रहा है, मतलब जो अब हो रहा है, और एक जो पास्ट में था. द हाइलाइटेड वर्ड्स शो कंटिन्यूस टेंसेस. ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं हाइलाइटेड, वो क्या शो कर रहे हैं? कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहे हैं. वी यूज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कब करते हैं? व्हेन वी Talk about an action that was going on for a period of time in the past. जो past में कोई action हो रहा है, ongoing है. The children were laughing at her cleverness. With the simple past tense to show that an action was already going on when another action happened. It means जब दो action हो रहे हैं, एक एक्शन हैपन हो चुका है और दूसरा ऑन गोइंग है. ओके, लाइक वी वर स्टडिंग व्हेन द फोन रिंग. जब फोन की बेल बजी तो हम क्या कर रहे थे? हम स्टडी कर रहे थे. इट मीन्स टू एक्शंस आर देयर, वन एक्शन डन एंड वन इज गोइंग ऑन. ओके, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट. कोई एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहा है. मनोज इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स राइट नाउ. व्हेन वी टॉक राइट नाउ, राइट नाउ इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट अ टेम्पररी एक्शन, एक ऐसा टेम्पररी एक्शन दैट मे नॉट एक्चुअली बीन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो बोलते वक्त नहीं हो रहा एक्शन, लेकिन उन दिनों में चल रहा है टेम्पररी. अखिल इज डूइंग फोटोग्राफी दीज डेज, कि अखिल इन दिनों में फोटोग्राफी कर रहा है. लाइक आई एम रीडिंग अ बुक दीज डेज, कि मैं इन दिनों में एक बुक पढ़ रही हूँ, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ऑन गोइंग एक्शन है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज बीन प्लान्ड इन द नियर फ्यूचर, जब कोई चीज़ नियर फ्यूचर के लिए प्लान की गई हो. वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक. तो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ हमने कहाँ कहाँ किया? एक तो जब आप राइट नाउ, यानी कि जब आप बोल रहे हो तब वो एक्शन हो रहा हो, या कोई टेम्प्ररी एक्शन मतलब उन दिनों में चल रहा हो दीज डेज, या कोई नियर प्लान्ड एक्शन हो, फ्यूचर के लिए नियर प्लान्ड हो. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज प्लान्ड इन नियर फ्यूचर, जैसे वी आर गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक. ओके, अब आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करेंगे और पास्ट का कहाँ करेंगे. ओके, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? एक एक्शन पास्ट में हो रहा होगा एंड द अनदर की वन हो रहा है और दूसरा चल रहा है. ओके, सी सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए एक सर्कल करना है. लाइक यस्टरडे आई एम प्लेइंग वॉज प्लेइंग इन द पार्क व्हेन आई सो अ पीकॉक ऑन द रोड. आई सो यानी कि आपने देखा है एक पिकॉक, एक एक्शन हो गया और एक पास्ट में ऑन गोइंग है वॉज प्लेइंग. ओके, दानियल इज स्केटिंग और वॉज स्केटिंग राइट नाउ. राइट नाउ मीन्स सी, राइट नाउ मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो दानियल इज स्केटिंग राइट नाउ, सो यू हैव टू सर्कल इज स्केटिंग. बेटा वन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको इन सभी एग्जांपल्स के अच्छे से रूल्स पढ़ने हैं. जैसे मैम ने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, आपने खुद भी इसको अच्छे से दोबारा रीड करना है. ओके, क्योंकि ये नहीं है कि आपको टेस्ट में एग्जाम में सिर्फ एक्सरसाइज में से मिलेगा,
आपको कहीं से भी मिल सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 78. द थर्ड क्वेश्चन इज जीना एंड आई टू ईच अदर दीज डेज. दीज डेज आइडेंटिफिकेशन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Gina and I are not talking to each other these days. The fourth one is, are you going or were you going to the science exhibition next week? ये आपका pre-planned है for the near future. हमने तीन चीजें पढ़ी थी ना present continuous tense में. Right now, temporary action these days and the pre-planned for near future. So, are you going to the science exhibition next week? The fifth is the Koshyas us this week. This week show to the present. The Koshyas are visiting us this week. He dash dinner when we arrived. हमने past continuous में पढ़ा था ना बच्चा. Two action is there. One happened then other was going on. He was eating dinner when we arrived. जब वहाँ पहुँचे तो वह dinner कर रहा था. In A exercise, we have to select the option. In B, we have to do yes the work ourselves. Complete these sentences using the present continuous tense or the past continuous tense. Forms of the verb in the brackets. Okay. They are going to the mall tonight. Tonight means continuous in the present. Dash and dash in the marathon tomorrow. It means this is the pre-planned for near future. Are you running in the marathon tomorrow? Okay. Next, they dash when they got the news. Got the news. Two action, one happened. They were traveling when they got the news. Okay. The next, where dash your cousin dash these days? Where these days means? Continues in present. Where is your cousin staying these days? Okay. The next, what dash you dash outside my house yesterday? Yesterday show to the past. What were you doing outside my house yesterday? The next, Anjali dashed to Samaira when she saw a spider on her shoulder. So past, Anjali was talking to Samaira when she saw a spider on her shoulder. Beta, you have to revise it carefully. Still you are facing any problem, you can ask from me when I will take your live session. Okay, and next part we will do in our next class. Okay, bye bye and have a nice day.